अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया पढ़ेंगे DSM-5 से। DSM-5 में पेज नंबर 202 पर सोशल फोबिया डिसऑर्डर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोशल फोबिया है क्या, सोशल फोबिया एंड सोशल एंग्जाइटी क्या है। जब आप DSM-5 में पेज नंबर 202 पर देखते हैं तो यहाँ पर डिसऑर्डर में दो नाम लिखे हुए हैं, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को इकट्ठा क्यों लिखा गया है? सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी क्या है आपके अकॉर्डिंग? सोचें ज़रा। सोशल फोबिया दरअसल फोबिया कहते हैं खौफ को। सोशल फोबिया में फ़र्द को जिस चीज़ से खौफ है, फ़र्द को जिस चीज़ से एंग्जाइटी होती है, जिस चीज़ के बारे में फोबिया है, उस चीज़ से फ़र्द घबराता है, उस चीज़ से अवॉइड करेगा। सोशल फोबिया में क्लाइंट अवॉइडेंस बिहेवियर यूज़ करता है, जबकि सोशल एंग्जाइटी में, सोशल एंग्जाइटी सोशल फोबिया से डिफरेंट होती है। सोशल एंग्जाइटी में क्लाइंट एप्रीहेंसिव हो जाता है, जो सिचुएशन अभी नहीं आई, अभी वो सिचुएशन आनी है, उस सिचुएशन के बारे में पहले से ही परेशान है, पहले से ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है। इस तरह से सोशल एंग्जाइटी सोशल फोबिया से डिफरेंट हुई। सोशल एंग्जाइटी में क्लाइंट जिस सिचुएशन से घबराता है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास पार्टिसिपेशन से घबराता है, क्लास में प्रेजेंटेशन से घबराता है फर्द, प्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी है क्लाइंट को, तो फर्द प्रेजेंटेशन दे देगा मगर क्लाइंट को एंग्जाइटी होगी। यह सोशल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी में क्लाइंट उस सिचुएशन को फेस कर लेगा मगर एंग्जाइटी होगी, अच्छा फील नहीं करेगा, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, स्वेटिंग की फीलिंग्स, ये सिम्टम्स को वो फेस करेगा। जबकि सोशल फोबिया में जिस चीज़ से फोबिया है फर्द, उस सिचुएशन में नहीं जाएगा। अगर प्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी है तो प्रेजेंटेशन के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, घर बैठा रहेगा, छुट्टी कर लेगा, अवॉइड करेगा, अवॉइडेंस बिहेवियर यूज़ करते हैं ये क्लाइंट, उस सिचुएशन में नहीं जाएगा। अगर ब्लड का फोबिया है किसी को तो वो वहाँ से चला जाएगा, उस सिचुएशन को फेस नहीं करेगा जिस जगह पर ब्लड है। जबकि सोशल एंग्जाइटी वाला, अगर किसी को अब ब्लड निकल रहा है, अगर कोई ज़ख्मी हो गया है, तो वो उस इंसान की मदद कर देगा मगर एंग्जाइटी फील करेगा। इस तरह हम कहते हैं कि सोशल एंग्जाइटी सोशल फोबिया से डिफरेंट है। और इसके अलावा सोशल फोबिया में लाइफ इम्पेयरमेंट सीवियर लेवल की होती है और सिचुएशन, कोई भी सोशल सिचुएशन है, फर्द उसको अवॉइड करेगा। अब हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले क्राइटेरिया ये कहता है, मार्क्ड फियर और एंग्जाइटी अबाउट वन और मोर सोशल सिचुएशन, एक या एक से ज़्यादा सोशल सिचुएशन की फ़र्द को एंग्जाइटी होगी, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन की एंग्जाइटी हो सकती है, दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने की, अनफेमिलियर लोगों के साथ मीटिंग की, ऑब्जर्व की कि कहीं उसको ऑब्जर्व ना किया जाए, पब्लिक प्लेसेस पर खाने पीने की एंग्जाइटी हो सकती है, और परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अदर्स गिविंग अ स्पीच, क्लास के दौरान स्पीच देने की या किसी पब्लिक प्लेसेस पर खड़े होकर गाना गाना, किसी लोगों के साथ कन्वर्जेशन करना। तो ये क्राइटेरिया ये कहता है कि इन सिचुएशंस की फर्द को एंग्जाइटी हो सकती है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल फियर्स डैट ही विल शो एंग्जाइटी सिम्टम्स, क्लाइंट को ये डर होता है कि वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स को शो करेगा। एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होंगी? ब्लशिंग, स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, ये इन सिम्टम्स को वो शो करेगा। जब वो दूसरे लोगों के साथ बात करेगा उसके हाथ कांपेंगे, जब वो दूसरे लोगों के साथ हैंडशेक करेगा हाथ कांपेंगे, जब दूसरे लोगों के साथ बात करेगा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, पसीना आएगा, तो ये सिम्टम्स को वो शो करेगा। क्लाइंट को इस चीज़ का डर होता है। और इसके अलावा क्लाइंट को ये भी लगता है कि ही विल बी नेगेटिवली एवेलेटेड, ही विल बी नेगेटिवली जज, उसको नेगेटिवली जज किया जाएगा, ही विल बी जज नेगेटिवली, जैसे लोग उसे क्रेजी समझेंगे, स्टूपिड समझेंगे, बोरिंग समझेंगे, क्राइटेरिया बी कहता है। अब इस वजह से क्लाइंट क्राइटेरिया सी में, द सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक्स फियर और एंग्जाइटी। ये जो सोशल सिचुएशन है कि लोगों के सामने बातचीत करना, लोगों के सामने खाना पीना, इन फैमिलियर लोगों के साथ मिलना, पब्लिक प्लेसेस पर खाना खाना, सोशल इंटरेक्शन करना,
इन सब चीज़ों इन सब सिचुएशन के बारे में क्लाइंट को एंग्जाइटी होगी और हमेशा होगी, ऑलवेज हमेशा होगी, कभी कभी नहीं होगी। अगर कभी कभार एंग्जाइटी होती है, हम आम इंसानों हम लोगों को भी कभी कभार एंग्जाइटी होती है ना, तो अगर कभी कभार एंग्जाइटी होगी तो ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर की तरफ क्लाइंट तब जाएगा, फर्दर डिसऑर्डर की तरफ तब जाएगा कि जब मामूल से हट करो, जब रोज़ ऐसा होने लगे, हमेशा और हर सिचुएशन में ऐसा होने लगे, तब ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। क्राइटेरिया डी कहता है द सोशल सिचुएशंस आर अवॉइडेड विद इंटेंस फियर और एंग्जाइटी। फर्द इन सिचुएशन को अवॉइड करेगा, अवॉइडेंस बिहेवियर को यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पब्लिक प्लेसेस पर खाने पीने की एंग्जाइटी है तो फिर पब्लिक प्लेसेस पर ही नहीं जाएगा, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करेगा। पब्लिक प्लेसेस पर ड्रिंकिंग से, क्लाइंट को अगर ये डर है कि उसके हाथ कांपेंगे दूसरे लोगों के सामने, तो वो दूसरे लोगों के सामने कप नहीं उठाएंगे, दूसरे लोगों के सामने ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, दूसरे लोगों के सामने दूसरे लोगों के साथ हैंड शेक नहीं करेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरे लोगों के सामने लिखेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों के सामने लिखेंगे तो हाथ कांपेंगे। इसके अलावा क्लाइंट को, अगर फर्द को ये खौफ हो कि वो दूसरों के सामने ब्लश करेगा, जब वो दूसरों के सामने बात करेगा तो वो ब्लश करेगा ना, तो इसीलिए वो पब्लिक परफॉर्मेंस से अवॉइड करेगा, पब्लिक प्लेसेस पर बोलने से अवॉइड करेगा, और पार्टीज़ पर नहीं जाएंगे, अवॉइडेंस बिहेवियर है ना, पार्टीज़ पर नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो ये ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। इसके अलावा ये ऐसे काम अगर इनको कुछ आता भी है तो ये दूसरों के सामने शो नहीं करेंगे, अपनी आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, दूसरों की तरफ अपनी तवज्जो नहीं दिलाएंगे। ये हो गया क्राइटेरिया डी। क्राइटेरिया ई कहता है द फियर और एंग्जाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल थ्रेट पोस्ड बाय द सोशल सिचुएशन। आउट ऑफ प्रोपोर्शन थ्रेट होता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंग्जाइटी होती है, हद से ज़्यादा और मामूल से ज़्यादा होती है, और 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, तकरीबन 6 माह के लिए रहती है, और इस एंग्जाइटी की वजह से क्लाइंट डिस्ट्रेस, और ये एंग्जाइटी डिस्ट्रेस काज करती है, इम्पेयरमेंट काज कर रही होती है सोशल ऑक्यूपेशनल सेटिंग में। सोशल सेटिंग है कि दूसरे लोगों के साथ मिले जुलेगा नहीं, इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो सोशली आइसोलेट हो जाएगा, सोशल आइसोलेशन का सामना करेगा, दूसरे लोगों के साथ मिले जुलेगा नहीं। ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो गई कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप दूसरे लोगों के सामने बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों के सामने के साथ डीलिंग नहीं कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो तब ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट होगी, स्कूल लाइफ इम्पैक्ट होगी। द फियर और एंग्जाइटी इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टांस और एन अदर मेडिकल कंडीशन, के किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, अगर फर्द ने कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो उसकी वजह से ना हो, या फिर किसी सब्सटेंस या किसी दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से, ड्रग्स के असर की वजह से ना हो, और ना ही द एंग्जाइटी इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय एन अदर मेंटल डिसऑर्डर, और ना ही किसी और डिसऑर्डर की वजह से हो, पैनिक डिसऑर्डर की वजह से ना हो, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से ना हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से ना हो, और किसी मेडिकल कंडीशन, पार्किंसंस डिजीज़ वगैरह, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों की वजह से ना हो। ये है DSM-5 के अकॉर्डिंग सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया का क्राइटेरिया। अगर ये सब सिम्टम्स क्लाइंट में मौजूद होंगी तो हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया डायग्नोज करेंगे। दिस इज़ द स्पेसिफायर विच इज़ गिवन इन DSM-5 विद सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया परफॉर्मेंस ओनली। अगर क्लाइंट में मौजूद है तब हम इसको देंगे। परफॉर्मेंस ओनली क्या है? द फियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीकिंग और परफॉर्मिंग इन पब्लिक, कि अगर सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर ही, अगर सिर्फ फिद परफॉर्मेंस, ये सिर्फ उन सिचुएशन में होता है कि जहाँ फ़र्द ने बोलना है, जहाँ फ़र्द ने बात करनी है, जैसे पब्लिक प्लेसेस पर क्लाइंट ने, अगर फ़र्द ने पब्लिक प्लेसेस पर स्पीच देनी है तो उन सिचुएशन से एंग्जाइटी होगी। परफॉर्मेंस ऑनली सिर्फ उन सिचुएशन से एंग्जाइटी होगी जिसमें फ़र्द ने परफॉर्म करना है। अगर क्लास के दौरान बात करने की एंग्जाइटी है, क्लास के दौरान प्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी है, या पब्लिक प्लेसेस पर बोलने की एंग्जाइटी है, तो ये विद परफॉर्मेंस ओनली के साथ है। लेकिन नॉन परफॉर्मेंस सोशल सिचुएशन से इनको एंग्जाइटी नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन से एंग्जाइटी नहीं होती जहाँ पर इन्होंने बात करनी होती है, जहाँ पर इन्होंने बोलना है, परफॉर्म करना है, ऐसी सिचुएशन से एंग्जाइटी नहीं होगी, तो ये परफॉर्मेंस ओनली है।
इसके एसोसिएटेड फीचर्स जो हैं कि बहुत सबमिसिव होते हैं. सबमिसिव मीन्स के बहुत पैसिव हैं, असर्टिव नहीं हैं. द इंडिविजुअल अवॉइड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स विद अदर पर्सन. और बहुत अपनी कन्वर्जेशन को कंट्रोल करेंगे, दूसरे लोगों के सामने बात नहीं करेंगे, बहुत चुप चुप रहेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं और बहुत शाय रहते हैं. विथड्रॉन पर्सनैलिटी होती है, दूसरे लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं. न्यूरोटिक ट्रेट्स होते हैं इनमें. मैन मे बी डिलेड इन मैरिंग एंड ब्लशिंग इज़ अ हार मार्क फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर. डिवेलपमेंट एंड कोर्स देखें तो मीन एज 13 ईयर्स है. एज एट ऑनसेट 8 to 15 ईयर्स है. फर्स्ट ऑनसेट होता है अडल्टहुड में. एज एट ऑनसेट एट टू फिफ्टीन ईयर्स है, लेकिन उन्होंने बताया DSM-5 कहता है कि अडल्टहुड में अगर फर्स्ट ऑनसेट है तो बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस हैं कि अडल्टहुड में ये डिसऑर्डर हो. ये डिसऑर्डर अडल्टहुड में नहीं होगा, जब भी होगा तो 8 to 15 ईयर्स के दौरान में एज एट ऑनसेट है. उसके बाद हो सकता है, लेकिन पहली मरतबा यहाँ इस एज में हुआ हो. और ओल्डर अडल्ट्स एक्सप्रेस एंग्जाइटी एट लोअर लेवल्स. ओल्डर इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, लेकिन उनकी एंग्जाइटीज को हम इस तरह से नहीं देखेंगे. उनमें ये हो सकता है कि उनमें हेयरिंग और विजन इम्पेयरमेंट हो सकती है, या फिर पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं. हेयरिंग सेंसरी फंक्शनिंग में डिक्लाइन, सेंसरी फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट होती है, तो इसी वजह से उस एम्बैरेसमेंट की वजह से लोगों के सामने बातचीत नहीं करते, लोगों के सामने बोलते नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं. तो इस वजह से भी ओल्डर एडल्ट्स में एंग्जाइटी इस हवाले से भी हो सकती है. रिस्क फैक्टर्स में टेम्परामेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं. टेम्परामेंटल हैं कि बिहेवियरल इनहिबिशन करते हैं. फेयर ऑफ नेगेटिव एवोल्यूशन होता है, बहुत शाय रहेंगे, विथड्रॉन पर्सनैलिटी होंगी, सोशली इंटरेक्ट नहीं करेंगे. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि चाइल्डहुड माल ट्रीटमेंट का एक्सपोयर हुआ होता है इनको. जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं कि ये हेरिटेबल है. और डिस्टर्बेंस होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स में, जिनमें सीरोटोनिन हो सकता है, ये एक ब्रेन केमिकल है. उसके अलावा एमिगडेला, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस मे प्ले अ रोल इन फेयर. तो ये ब्रेन एरियाज इसमें और ये न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व है, और हेरिटेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं जब ये अपनी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. स्कूल जाते हैं, लोगों दूसरे लोगों के साथ मोलते नहीं है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होती है, एकेडमिक इम्पेयरमेंट होती है. घर बैठे रहेंगे, फेयर ऑफ नेगेटिव एवोल्यूशन की वजह से स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे. वेलबिंग डिक्रीज़ होगी इनकी, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होगी. वेलबिंग बहुत इम्पैक्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होगी, वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी, तो इनकी बिजनेस, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही होती है. या तो ज़्यादातर लोग इसमें सिंगल रह जाते हैं, शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये आदमियों के साथ होता है. उनको ये होता है कि वो औरतों के साथ बात नहीं कर पाते हैं, औरतों के साथ वो बात नहीं करेंगे. कुछ लोग होते हैं, कुछ मेल हैं, फीमेल्स के साथ बोलते नहीं हैं, तो अनमैरिड रह जाएंगे या सिंगल रह जाएंगे. डिवोर्स, कुछ को डिवोर्स हो जाती है कि अपनी बीवी के साथ, अपनी, इन्हें दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम है. दूसरे लोगों के साथ बोलते नहीं है कि इनको नेगेटिवली जज करेंगे, इनको बोरिंग समझेंगे, इनको इल समझेंगे, सिक समझेंगे. इनका इम्प्रेशन नेगेटिव पड़ेगा जब ये लोगों के सामने बात करेंगे, लोग इनके कामते हुए हाथ देख लेंगे, लोग इनको नेगेटिवली जज करेंगे. तो इनकी वजह से ये फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है इनको. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. एंड इसका जो बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है मैं वो आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. अल्लाह हाफिज़.